أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سيره النبي صلى الله عليه وسلم में सिलसिला जो है वो अब सबसे अहम तरीन मुकाम की तरफ बढ़ रहा है इस तरह से कि अभी तक हमने जो भी स्टडी की है रसोल्ला सल्लाम की जिंदगी की वो आपकी नबूवत से पहले की थी गोया उसमें आपकी जवानी भी थी आपका बचपना भी था और आपसे पहले जो अरब के कबाइली माहौल था उसके बारे में भी हमने पढ़ा फिर इब्राहिम सलाम से चीज़ों को शुरू किया था हमने ये सारी चीज़ें अहम थी लेकिन अब जो मौजू स्टार्ट होने वाला है अब जो हजूर सल्ला वम की जिंदगी का जो पहलू अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो दर हकीकत इस पूरे सीरत के पढ़ने का मकसद है इससे पहले की जितनी चीज़ें थी वो तो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग का काम कर रही थी अब हम हुजूर पे नबूत का सिलसिला जब शुरू होता है क़ुरान के नज़ूल का सिलसिला जब शुरू होता है इस्लामी शरीयत के नज़ूल का सिलसिला जब शुरू होता है वो वाली ज़िंदगी पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर है कि इससे ज़्यादा अहम जो है वो कोई मौजू नहीं हो सकता अभी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो इसके मुकाबले में कम अहम थी तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो लोग अभी तक उस दर्जे की पाबंदी से अटेंड नहीं कर पा रहे थे वो अब मजीद जो है अपने अंदर पाबंदी ले आए इस मामले की दूसरी चीज दूसरा एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि पिछले दो टर्न से लेक्चर नहीं हो पाया था तो उसको कंपेन्सेशन के तौर पे हम कल भी इस, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे यानी आज तो जो 40-45 मिनट का लेक्चर होगा होगा ही कल यानी सैटरडे को भी सेम टाइम 10 टू 10:45 जो है वो लेक्चर होगा इन तो भी आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे को भी यानी कल 10 से 10:45 भी लेक्चर होगा चलिए इन आगे चलते हैं तो पिछले लेक्चर पे हमने हजूर सल असम की नबूत से पहले का जो आखिरी वाक़ा था हज़रत जैद बिन हारिसा के तल्लुक़ से वो हमने तफसली तौर पर पढ़ लिया था अब हम हजूर सलील सल्लम की नबवी नभु, जिंदगी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम हुजूर की नबी जिंदगी शुरू करें इस बात का समझना इंतहाई जरूरी हो जाता है कि अल्लाह ताला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बचपन से ही और आपकी शख्सियत को कुछ इस तरह ढाल रहा था, था कि आप नबोत के एक अजीम काम के लिए तैयार हो जाए फिजिकली भी और मेंटली भी और यह बात बिल्कुल शुरू से थी लेकिन नबूत का जब वक्त करीब आता है यानी चालीस साल की उम्र में आपको नबूवत मिलती है तो उस वो वक्त करीब आने से दो ढाई साल पहले से ही हज़ूर सलील वसम की शख्सियत और किरदार में आपकी तरजीहत में आपकी पसंद नापसंद में चंद मज़ीद तब्दीलियाँ होती हैं है ना और चेंजेस आपके शख्सियत के अंदर होते हैं उन चेंजेस का समझना बहुत ज़रूरी है जिसके जरिए हम समझेंगे कि हुजूर पे नबूत का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ शॉर्ट में समझेंगे बहुत तफ़ी कलाम उस पर नहीं करेंगे तो चंद चेंजेस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुए हैं नबूवत से पहले उनमें सबसे अहम चेंज और सबसे पहला चेंज जो आपके अंदर हुआ कि आपको तन्हाई महबूब हो गई यानी आपको लोगों के साथ उठना बैठना है ना लोगों से मिलना जुलना तिजारत और दीगर जो दुनियावी अमूर होते हैं उनसे इंटरेस्ट बिल्कुल जो है कम होते होते ख़त्म हो गया यहाँ तक कि आप अपनी कौम के दरमियान बैठने को पसंद नहीं करने लगे आपका दिल उचाट हो गया लोगों से बातचीत करने से जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसकी रूटीन फुलफिल करने से ठीक है कौम की जो मजलिसें होती है उसमें जाने से तजारत से इन तमाम अमूर से आपका दिल जो है उचाट होना शुरू हो गया यानी आपका दिल इन चीज़ों में नहीं लगने लगा और आपको तन्हाई में बैठ के गौर फिक्र करना जो है महबूब हो गया गोया की तन्हाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो गई और मजलिसों से घबराहट पैदा होने लगी ये पहली पहली तब्दीली थी जो अल्लाह ताला ने हुजूर की शख्सियत में पैदा की ताकि हुजूर का दिल और दिमाग जो है उस वही को कबूल करने के लिए उस रिविलेशन को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए ये चीज़ क्यों जरूरी थी इस ये भी हम जरा जिमन समझते चलें कि एक इंसान जब सुबह शाम की रूटीन जिंदगी गुजारता है सुबह उठा उसने अपनी रोजमर्रा की काम काज की बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारा फिर बिजनेस किया और फिर जो है शाम को थक हार के घर पहुंचा खाना पीना खाया और सो गया हंसी मजाक किया दोस्तों के साथ सो गया इस तरह रोज की रोजमर्रा की जब इंसान की जिंदगी चलती है तो उसके पास किसी बड़ी चीज़ को पे गौर वफिक्र करना किसी बड़े काम को करने के लिए वक्त नहीं बचता न जहनी सलाहियत बचती चूंकि हुजूर का, का काम आम काम नहीं था जैसे हमारा और आपकी जिंदगी होती है वो एक आम तरीके पे जिंदगी गुजर रही होती है ना जैसे हमसे हमारे वालिद साहब ने भी वैसे जिंदगी गुजारी उनके वालिद साहब ने भी गुजारी उनके वालिद साहब ने भी गुजारी हमारे बच्चे भी गुजारेंगे उनके बच्चे भी गुजारेंगे तो एक आम नहज पे जो जिंदगी चल रही होती है वो उसका गुजारा तो इस तरीके पे हो जाता है लेकिन अगर, अगर अल्लाह ताला को किसी इंसान से कोई बहुत बड़ा काम लेना होता है बहुत बड़ा काम लेना होता है बहुत बड़ा काम लेना होता है कोई तजदीदी काम लेना होता है कोई रिवाइवल का, का काम लेना होता है कोई रेवोल्यूशन लाना होता है दुनिया के अंदर तो वो इंसान इस बात को एफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो आम नहज पे आम तरीके पे जिंदगी गुजारे कम से कम स्टार्टिंग ऑफ द रेवल्यूशन ठीक है जब एक बार जो है वो तब्दीली आ गई जब एक बार तजदीद हो गई तो फिर वो एक आम नहज पर जिंदगी गुजार सकता है लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए जिस शख्स जिस शख्सियत की तैयारी हो रही हो जिस शख्सियत का इरतका हो रहा हो जिस शख्सियत को इस काम के लिए तैयार किया जा रहा हो वो शख्सियत अपने तजदीदी काम के शुरुआती दिनों में इस बात को एफोर्ड नहीं कर सकती है कि आम लोगों की तरह रोजमर्रा की जिंदगी गुजारे क्योंकि बड़ा काम करने के लिए जब इंसान किसी बड़े काम के लिए तैयार होता है कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए तैयार होता है तो वो आम नहज पे जिंदगी गुजारेगा तो कभी उसके जरिए तब्दीली नहीं आ सकती लिहाजा जहन को इस बात के लिए तैयार करना है तो ना इतने अजीम काम के लिए और कोई ये ये बड़ा काम कह के इस काम को छोटा ना समझे बल्कि इंसानी तारीख में इससे बड़ा कोई काम ही नहीं इस पर हम आगे मजीद गुफ्तु करेंगे लेकिन चूँकि इंसानी तारीख का सबसे अजीम तरीन काम हज़ूर के कंधों पर डाला जाना था सबसे अजीम तरीन बार हजूर के कंधों पर डाला जाना था लिहाजा हजूर की ज़िंदगी आम नहज पे नहीं हो सकती थी लिहाजा अल्लाह ताला ने, ने हजूर के फ़िक्र को हजूर के सोचने के तरीक़े को उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को उनकी पसंद नापसंद को कुछ इस तरह मोड़ दिया कि आप तनहाई में गौरव फिक्र को बहुत पसंद करने लगे और लोगों के साथ बैठना उठना बैठना हंसी मजाक करना ये चीजें आपको नापसंद होने लगी खासतौर पर जब नबोवत का वक्त जो है करीब आ गया आप तन्हाई में बैठते और अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर करते आप तन्हाई में बैठते और पहाड़ों को देखते पेड़ पौधों को देखते सितारे और सैारों को देखते आसमान को देखते चांद और सूरज को देखते अपनी बनावट पर गौर करते और ये चीज़ें कहनी बहुत आसान होती हैं लेकिन एक इंसान आम तौर पर अपनी जिंदगी में इन चीज़ों पर सीरियसली गौर नहीं करता और अल्लाह तक ये इस बात का मुतालबा हमसे करता है कुरान में मुख्तफ मकामा पर आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला इस बात का मुतालबा करता है कि तुम अपने ऊपर गौर करो तुम अपने आस पास की चीज़ों में गौर करो तुम जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई निज़ाम कायनात पर गौर करो इस अज़ीम शान कहकशा पर गौर करो ठीक है और ये चीज़ अल्लाह ताली अक्लमंदों की निशानी के तौर पर पे पेश करता है कि जो लोग साहिब अक्ल होते हैं वो अपने आस पास की चीज़ों पर गौर करते हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह ताली बहुत ही बुरे लकब से बहुत ही यानी नहीं समझ लीजिए कि तहकीर करता है ऐसे लोगों की जो सुबह शाम दिन रात उनका बस एक रूटीन वे में जिंदगी गुजारने में लग जाए और गौर विक्र जो है वो का उनको वक्त ना मिल सके क्योंकि इंसान को जहनी तौर पर अल्लाह ताला ने इतना बुलंद बनाया है और वो इस बुलंद तरीन शे यानी जहन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरत को अगर पूरे करने में लगाएगा तो गोया ये जहन की बुलंदी की तोहन है है ना अकल को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा मुकाम दिया है इतनी इज्जत बख्शी है और उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ ये काम अगर लिया जाए तो ये गोया कि अकल की आजमत की तोहन है जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये एग्जाम्पल हमेशा दिया करता हूँ कि तलवार जो है तलवार एक खूबसूरत एक बड़ी अहम चीज़ है तलवार के जरिए जंग लड़ी जाती है तलवार के जरिए अपना दिफा किया जाता है कोई इंसान बेहतरीन खूबसूरत से तलवार खरीद के लाए बहुत धारदार तलवार हो कोई हिस्टोरिकल तलवार हो ठीक है जिसके अंदर बड़ी सलाहियत हो जंग लड़ने की और उस तलवार से घर में बैठ के प्याज काटे आलू काटे तो उस शख्स को बेवकूफ़ कहा जाएगा क्योंकि प्याज और आलू जो है वो तो चाकू से भी कट जाएंगे लेकिन अगर खूबसूरत तलवार खरीद के कोई लाया है बेहतरीन चीज खरीद के लाया है तो उसका काम उसके यानी जो पोटेंशियल है उस चीज के अंदर उसके हिसाब से करना चाहिए है ना उसी तरह अकल इंसानी जो है जहन जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में गौर यानी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है सिर्फ और सिर्फ उसकी तगोदों के लिए नहीं दिया है हालांकि वो भी अहम काम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अहम काम नहीं है बल्कि अल्लाह ताला जो मुतालबा हमसे करता है वो ये कि अपने आसपास तुम जो भी चीजें देखो जो भी इंसान जिस भी माहौल के अंदर रहता है अपने आसपास नेचुरल चीजें तो मौजूद पाता ही है पाता है नहीं कुछ नेचुरल चीज पाता है तो आसमान तो देखता ही है सूरज और चांद तो देखता ही है सितारे तो देखता ही है पेड़ पौधे तो देखता ही जानवर वगैरह को तो देखता ही अपने आप को तो देखता ही इन तमाम चीज़ों पे जिंदगी का कुछ हिस्सा इन चीज़ों पे गौर फिक्र करने में भी लगना चाहिए इसका मुतालबा कुरान हमसे करता है ठीक है जब आम मोमिन से कुरान इस बात का मुतालबा करता है और अल्लाह ताला जब आम मोमिन से इस बात का मुतालबा करता है तो एक शख्स जो नबी बनने वाला है एक शख्स जो अल्लाह का रसूल बनने वाला है एक शख्स जो अल्लाह का पैगम्बर बनने वाला है जिस पे इंसानी तारीख का सबसे अजीम तरीन बार डाला जाना है उससे तो ये बात अवला उससे इस बात का मुतालबा होगा कि वो इन तमाम झंझटों से अलाहदा होकर अल्लाह ताला की कायनात में गौर करे ठीक है इस मुतालबे के तहत अल्लाह सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट कर दी कि हुजूर को गौर व फिक्र बहुत महबूब हो गया तन बहुत महबूब हो गई अब ज़ाहिर गौरव फिक्र जो है आप मजलिसों में बैठ के नहीं कर सकते आप दस दोस्त मिल के एक यानी चाय वगैरह की मजलिस में बैठे हैं और उसमें चाहें कि गौरव फिक्र करें तो गौरव फिक्र नहीं हो सकता उसमें मुजाकरे हो सकते हैं अच्छी बातें हो सकती हैं एक दूसरे ख्याल का तबादला हो सकता है लेकिन ग़ौर फिक्र जो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तन्हाई मतलूब है ठीक है तो हुजूर की भी जिंदगी हुजूर के के आसपास की भी सिचुएशन को अल्लाह ताला ने ऐसा फैसिलिटेट किया कि आप गौर गौरव फिक्र की तरफ बहुत ज्यादा रागब हो गए ठीक है तो तन्हाई आपको महबूब होने लगी फिर यानी तन्हाई पहले महबूब हुई फिर हुजूर अलैहि वसल्लम का दिल जो है इन चीज़ों से उचाट होने लगा फिर आप तन्हाई की तलाश में रहते और चूंकि मक्का और आमतौर पर डिजर्ट एटमोसफेयर ऐसा होता है कि तन्हाई मिल जाती है कोई यानी अभी हम चूंकि कॉरपोरेट लाइफ और सिटी लाइफ के आदि हो चुके हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा तन्हाई वगैरह जो है एक यानी मुश्किल चीज है स्पेशली बड़े शहरों में छोटे शहरों में तो फिर भी मौका मिल जाता है बहुत से खेत हैं बहुत से जंगलात होते हैं बाघ होते हैं वहाँ लोग बैठ के जो है गौर व फिक्र कर सकते हैं लेकिन चूंकि फ्लैट कल्चर जहाँ होता है वहाँ ये चीज़ें ज़रा मुमकिन नहीं हो पाती तो डेजर्ट में ये चीज़ें और आसान होती है। तो हैं तो हुजूर जो हजूर अक्सर पहाड़ों पर चढ़ जाया करते और तन्हाई में बैठ के गौर करते थे ठीक है गौर किन किन चीज़ों पर करते थे जैसा मैंने बताया कि अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर करते थे अल्लाह की आजमत पे गौर करते थे अल्लाह की बनाई हुई कायनात में जो नज्म है जो रब्त है उस पर गौर करते थे तो ये चीज़ें गौर फिक्र करते 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 ये चीज़ सिर्फ हजूर के साथ ही नहीं हजूर से पहले जितने अम्बिया गुजरे हैं सब के साथ ये चीज़ मुतफिका अलह तौर पर मजमू तौर पर यह बात सही है ये कहना बिल्कुल बजा और दुरुस्त है कि नबोवत मिलने से पहले अम्बिया आलाम गफिक करके है ना अपनी तहक़ीक से अपनी तवज्जो से और अपनी कश से इस मुकाम तक इस इलमी मुकाम तक जरूर पहुंच जाते हैं कि उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि इस कायनात को बनाने वाली को एक वाहिद हस्ती है जो पूरे निज़ाम कायनात को चला रही गोया के इल्म तोहीद का बुनियादी इल्म और इल्म अम्बिया अंबियालाम को वही के नजूल से पहले भी गौर व फिक्र के जरिए अल्लाह तकाम तक पहुंचा देता है और ये बात मुश्तरक है तमाम सलाम के लिए, लिए हुजूर इसमें खास नहीं है हर नबी जो हुजूर से पहले नबी बने हैं वो नबूवत से सरफराज होने से पहले भी गौरव फिक्र के जरिए इस नतीजे पे कम से कम तो जरूर पहुंच गए थे कि इस कायनात को चलाने वाली कोई एक हस्ती तो है जिसके सिवा इस कायनात का निज़ाम कोई नहीं चला रहा और जिस जिसके निज़ाम कायनात के चलाने में कोई शरीक नहीं ठीक है ब्बिया के अलावा कुछ और लोग भी हमेशा से हर ज़माने में ऐसे रहे हैं जो गौरव फिक्र के ज़रिए इस रिज़ल्ट तक पहुँच जाते हैं लेकिन अम्बिया ख़ुसूसन जो है इल्म तोहद को यानी वो ए, उस तरीके से इरतई तौर पे पहुँच जाते हैं उस मुकाम तक तो हुजूर के साथ भी ये मामला रहा कि आप नबूत से पहले सेक्लूजन के ज़रिए सॉल्टीट्यूड के ज़रिए कंटेपलेशन के ज़रिए और प्योरीफिकेशन के जरिए और अल्लाह ताला ने जो सूरत हाल आपके लिए मजीन फरमाई थी उसके ज़रिए आप इस यकीन के पुख्तगी तक पहुँच गए थे कि अल्लाह के अलावा कोई हस्ती जो है लायक इबादत नहीं है बुतों की परस्तिश बिल्कुल जायज़ नहीं है निज़ाम कायनात के चलाने में अल्लाह रब्लम का कोई शरीक नहीं है पूरी कायनात को अल्लाह के मासेवा कोई चला नहीं रहा है ठीक है और कुत व ताकत का असल मरकज़ जो है वो अल्लाह रब्लम के साथ है तो इस तरह का इल्म और इस तरह का फहम जो है अंबिया को हासिल हो जाता है नबूवत से पहले भी और ये मामला हुजूर के साथ भी हो गया था ठीक है ये बात मेरे ख्याल में अभी तक जो बातें मैंने की हैं वो वाजा हो गई आपके ऊपर अब और चंद तब्दीलियां जो हुजूर के अंदर हुई चंद के सूरत में जो आपके साथ मामला हुए नबूवत के मिलने से पहले उनका भी हम जिक्र कर देते हैं उन वाकत में एक वाक्य जो हजरत सुमरा बिन जंदबरा बिन जाबिर बिन सुमरा रजी अल्लाह बयान करते हैं सहाबी हैं हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लाअरिफू हजरन बि मक्का था। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं लाजमन एक ऐसे पत्थर को जानता हूँ मक्का के अंदर ये आपने नबूवत के बाद फरमाया है आप नबूवत के बाद ये हदीस बयान कर रहे हैं

नेचुरल से हट के वाकयात होते थे उनमें से एक वाकया ये भी था कि नबूवत से पहले बाज पत्थर मक्का के अंदर जो कि बेजान चीज होती है लेकिन अल्लाह अगर किसी को कलाम की क़वत दे दे तो जाहिर है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों के ऊपर कादिर है जिस तरह अल्लाह आपको बोलने की सलाहियत दे रहा है मुझे बोलने की साहियत दे रहा है अल्लाह के लिए बराबर है यकसा है कि वो किसी पत्थर के जरिए आवाज़ निकलवा दे अल्लाह ताला असबाब का महताज नहीं है अल्लाह ताला वोकल कॉर्ड का महताज नहीं है अल्लाह ताला साउंड के वाइब्रेशन का महताज नहीं है ना अल्लाह ताला सर्टेन पैसेज के जरिए एयर फ्लो करे तभी साउंड निकले इस कायदे का भी महताज नहीं है लिहाजा अल्लाह के लिए ये चीज़ बिल्कुल आसान है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं लाजमन एक ऐसे पत्थर को जानता हूँ मक्का के अंदर काना यूसलिम आलिया कबल आन की जो मेरी नबूत से पहले भी मुझे सलाम किया करता था इनकी लारफूल आन और मैं उस पत्थर को अभी भी जानता हूँ गोया कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से इस बात की तस्दीक करते हैं कि मक्का के अंदर एक पत्थर था जो मुझे नबूवत से पहले भी सलाम किया करता था और ये जो पत्थर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना है ये उन अजीब वाकयात में से एक है जो हजूर के साथ नबूवत से पहले पेश आता था जब नबूत का वक्त आपके करीब आ गया था जी तो चूंकि अभी हम ये बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या तब्दीलियां हुई, हुई, हुई हुजूर के अंदर नबूवत से पहले तो एक तो तन्हाई वाली चीजें गोशा नशीनी जो है को महबूब हो गई तन्हाई महबूब हो गई गौरव फिक्र की आपकी सलाहियत में भी इंतहा इजाफा हो गया इल्म तोहीद अपने एतबार से बमाम कमाल हुजूर के अंदर जो है गौरव फिक्र के जरिए हासिल हो गया और फिर ये पत्थर का आपको सलाम करना ये बड़ी निशानियों में से एक था जो हुजूर के साथ नबूवत से पहले पेश आना शुरू हो गया था गोया हुजूर के दिल और दिमाग को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा था कि अब आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आने वाले हैं जिनका आप वहम गुमान में भी तजर्बा नहीं कर सकते और जो आम लोगों से हटके है कुछ मामला ठीक है तीसरी चीज तीसरी अहम तरीन चीज जो हुजूर के साथ पेश आनी शुरू हुई नबूत से पहले वो आपके सामने अपियर हो रही है द ट्रू ड्रीम यानी सच्चे ख्वाबों का देखना सच्चे ख्वाबों का देखना और इस ताल्लुक से सही बुखारी में ए, सही बुखारी में जो पहला चैप्टर है ए, बाब बदाउल वही बदाउल वही यानी वही जो शुरू हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का जो नजूल शुरू हुआ उसकी इब्तदा कैसे हुई इस ताल्लुक से सही बुखारी में इमाम बुखारी रही ने पहला जो चैप्टर कायम किया है सही बुखारी शरीफ के अंदर वो इसी मौजू से रिलेटेड अहादीस हैं उसमें जमा की हैं तो उसमें जो पहली हदीस है पहली नहीं मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो पहली हदीस ही है उसमें अम्मा आयशा रजील अनहा जो जजवाज मतहर में से हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम की बीवी हैं उन्होंने एक हदीस रिवायत की है तवील हदीस है लंबी हदीस है उस हदीस का मफहूम मैं आपके सामने अब बयान करूँगा जिस हदीस में अम्मा आयशा ने ये बताना चाहा है ये बताने की कोशिश की है वो डिस्क्रिप्शन दिया है जो हुजूर के साथ सच्चे ख्वाब की सूरत में पेश आता था तो वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये वो मुकाम था जब हुजूर ने अब नबूवत को जब छः महीने बचे जैसा कि अम्मा आयशा बयान करती हैं कि जब नबूवत से छः महीने पहले ही अलैहि वसल्लम सच्चा ख्वाब देखना शुरू करने लगे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद में जो ख्वाब देखते थे वो सुबह रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता था सच्चाई में तब्दील हो जाता था कोई आपने अगर रात में कोई ख्वाब देखा तो अगले दिन सुबह जो है वो अपनी बीवी बच्चों से उसको बयान करते थे और दिन होते होते वो बात हकीकता हो जाती थी और ये मामला आपके साथ मुसलसल छः महीने चला है मुसलसल छः महीने आपके साथ जो है ये मामला चला है जैसा कि आयशा ऐशा सद्दीक़ा रजील फरमाती हैं दमेंसमेंट ऑफ डिवाइन

बिल्कुल हकीकत में तब्दील हो जाता और ये मसला जो है ये मामला जो है हुजूर के साथ छः महीने तक चलता रहा तो ये तीसरी बड़ी निशानी थी और तीसरा बड़ा चेंज था हुज़ूर के अंदर नबूवत से जस्ट पहले बहुत मशहूर ताबई हैं ताबई उनको कहते हैं जो सहाबा के स्टूडेंट जी जी फरमाइए ये सवाल जवाब इंशाल्लाह लास्ट में हम ले लेंगे इसके बाद जी जी इंशाल्लाह लास्ट में इस दर्स ख़त्म होने के बाद ठीक है जी चलिए इंशाल्लाह दर्स के अख्ताम पे सवाल जवाब ले लेंगे है ना इंशाल्लाह ताकि जो है वो सिलसिला कलाम नहीं टूटे तो अलकमा बिन कैस एक बहुत मशहूर ताबई हैं ताबई उनको ताबई उनको कहते हैं जो सहाबा के शागिरद होते हैं सहाबा के स्टूडेंट्स होते हैं अलकमा बिन कैस ये हज़रत अब्दुल्ल अबिन मसूद के स्टूडेंट्स में से एक हैं और ये इमाम अबू हनीफ़ा रही के टीचर भी हैं इमाम इब्राहिम नखाई के भी टीचर हैं और बहुत मशहूर ताबई हैं ये फ़रमाते हैं कि अम्बिया पे वही का सिलसिला हमेशा ख्वाबों के जरिए सच्चे ख्वाबों के जरिए शुरू होता है ताकि उनके दिलों को इस बात के लिए तैयार कर दिया जाए कि उनके साथ एक बड़ा मामला पेश आने वाला है ताकि उनका दिल जो है उस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए तो ये एक मुसलमा हकीकत है कि अम्बे आम पे सच्चे ख्वाब की सूरत में सिर्फ हजूर के साथ ये मामला नहीं हुआ बल्कि अलकमा बिन कैस बहुत मशहूर ताबयों फरमाते हैं कि हजूर से पहले के अम्बे आलाम के साथ भी ये मामला होता रहा है कि वही का सिलसिला जो है सच्चे ख्वाब की सूरत में शुरू होता था ठीक है तो ये सारी प्रिपरेशन थी नबूवत के बड़े काम के लिए तैयार करने में तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हुजूर को जब तनहाई महबूब हो गई तो हुजूर पहाड़ों पर चढ़ जाया करते गार में रहा करते यहाँ तक कि आप जब नबूवत का वक्त करीब आने लगा तो आप 10-10 दिन और कभी कभी एक एक महीने जो है घर से कुछ खाने पीने का सामान ले जाते और ग़ार में आप क्याम फरमाते और वहाँ अल्लाह ताला के मामलत पे गौरव फिक्र करते इबादत का जो तरीका आपको समझ में आता ज़ाहिर है उस तरीके पे नमाज तो अभी हुजूर पे नाजिल नहीं हुई थी शरीयत तो नाजिल नहीं हुई थी पूरे अहकाम तो नाजिल नहीं हुए थे लेकिन बहरहाल हजूर इतना जानते थे कि इब्राहिम के तरीक़े पर गौर विक्र जो है अल्लाह तला की कुदरत में अल्लाह ताली की किबरियाई में गौर वफिक्र करते और तनहाई में जो है वो वक्त गुजारते तो ये जो वक्त गुजारते थे आप उस वक्त का गुज़रना जो है एक ख़ास एक गार थी एक रॉक था एक पहाड़ था उसमें एक गार थी जिसे हम गार हिरा कहते हैं बड़ा मशहूर गार है और ये मक्का से तकरीबन तीन मील के फ़ासले पे है और ऊंचे मुकाम पे है तो हुजूर को वो मुकाम इतना पसंद था और तन्हाई के अतबार से वो इतना सूटेबल जगह थी कि हुजूर जो है वो एक डेढ़ घंटे तकरीबन सफर करके और पहाड़ पे बड़ी मेहनत करके और उस मुकाम तक पहुंचते थे और वहां बैठ के फिर गौर फिक्र करते थे और हुजूर पे सबसे पहली वही जो नाजिल हुई है और जब्राइल अमीन जो हुजूर के पास सबसे पहले आए हैं तशरीफ लेके तो वो भी उसी गार में ये मामला हुआ है तो ये तस्वीर आपके सामने अपियर हो रही है ये है वो गारह हेरा जहाँ हजूर नबूत से पहले जाके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नबूत से पहले इसी गार में जाके हुजूर जो है वो तशरीफ फरमाते थे और गौर फिक्र किया करते थे ये तकरीबन तीन मील दूर है मक्का से और इसको चढ़ने में डेढ़ घंटे का वक्त आम तौर पर लगता है तो आप तस्वुर कर सकते हैं कि हुजूर तनहा दिन और रात घटाटोप अंधेरे में भी डेढ़ डेढ़ घंटे का वक्त लगा के इतनी मेहनत व मशक्क़त करके इस मुकाम तक चढ़ के जाते थे और गौर फिक्र करते थे तो आखिर कौन सी चीज़ थी जो हुजूर को इतना बेचैन करती थी आखिर ऐसी कौन से ख्याल थे ऐसी एस, कौन सी जहनी कैफियत थी जो हुजूर को इतनी मेहनत के लिए मोटिवेट करती थी कि घटा टोप अंधेरे में जब इंसान जो है बड़ा खौफ महसूस हो ऐसे मकाम पर जाने में और यानी इंसान हमेशा ऐसी यानी बिल्कुल अंधेरे के वक्त जब चांद भी बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा है और रेगिस्तान की ठंडक का अंदाज़ा हम और आप लगा सकते हैं तो ऐसे मौके पे हुजूर तन्हाई को इख्तियार करते हैं रात के वक्त इन इस गार में जाके जो है वक्त गुजारते हैं तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये जो मोटिवेशन है ये जो गौर गौरव फिक्र की चाहत है जो तन्हाई की चाहत है इसको अल्लाह ताला ने इस तरह हुजूर के अंदर मुजीन कर दिया था इस तरह बना दिया था मुआविन और मददगार कर दी थी, थी सिचुएशन को कि आप यहाँ जाके के पजीर होने लगे बाज़ मौक़े पे एक एक महीने तक आप जो है इसी मुकाम पे रहते थे और फिर आपका यानी वो ज़ाद अगर खत्म हो जाता था खाना पीना खत्म हो जाता था तो आप जो है फिर इस गार से उतर के आते थे सैदा खदीजा के पास अपनी बीवी के पास जाते थे फिर कुछ सामान वगैरह लेते थे कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों में गुजारते थे और फिर इसी मुकाम पर आके तन्हाई में गौर व फिक्र और इबादत में लग जाते थे तो ये मामला करीब करीब था हजूर का नबूत से पहले ठीक है जैसा कि अम्मा आयशा की रिवायत से पता चलता है कि बाज़ दफ़ा दस दिन और बाज़ दफ़ा एक एक महीने जो है हुजूर इस गार के अंदर रहते थे ठीक है और जैसा कि अम्म आयशा की, की रिवायत से पता चलता है कि इबादत अल्लाह ताला की वहाँ किया करते थे और ये इबादत क्या थी दूसरे मुफसरीन बयान करते हैं जो हदीस के शारे हैं वो बयान करते हैं कि ये इबादत गौर फिक्र थी इब्राहिम आसाम के तरीके पे जैसा कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम आल्लम का तरीका यहाँ बयान किया है वह कजाली का नुरैया इब्राहिम मलकूत समी वलअर्जी वल और इसी तरह हमने दिखाया इब्राहिम को आसमान जमीन की मिलकियत आसमान ज़मीन की बादशाहत ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए गोया कि अम्बा आसलम को गौर व फिक्र के ज़रिए आसमान और ज़मीन की चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि उनका यकीन मजीद मस्तकम हो जाए और यही मामला हजूर के साथ भी पेश आ रहा था ये सिलसिला आपका चलता रहा तकरीबन छः महीने तक और छे महीने बाद रमजान का महीना अब रमजान का महीना यानी अरबी कैलेंडर में एक महीना होता है रमजान जैसा कि अब तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 610 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 610 डी में 610 AD में रमजान की एक रात में घटाटोप अंधेरी रात थी बिल्कुल अंधेरी रात थी उसमें हजूर के साथ उसी गार हिर में तन्हाई में जब अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र में बिल्कुल डूबे हुए थे तो हुजूर के साथ एक बहुत ही जबरदस्त और इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक्य पेश आया जिसको हम हुजूर के नबूवत की सरफराजी से ताबीर करते हैं ठीक है मामला क्या हुआ कि आप गार में तशरीफ़ फरमा थे गौर व फिक्र में डूबे हुए थे कि अचानक आपके सामने जो है नूर जाहिर होना शुरू हुआ और दूसरी अहदीत से बिल्कुल वाजह होता है कि नूर इतना ज़्यादा हो गया कि हुजूर की आंखें जो हैं वो खुलने नहीं पा रही थी यानी जब बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है स्पेशली जब आप डार्क एटमोसफेयर में रहें और अचानक से लाइट बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ हो जाए लाइट तो इंसान आँख को नहीं खोल पाता तो हुजूर खुद इर्शाद फरमाते हैं कि नूर इतना ज़्यादा भर गया था कि मैं अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा था और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त नूरानी और अजीम व शान वजूद जो है हुजूर के सामने जाहिर हुआ ये कौन थे ये हजरत थे जो जब्राई तमाम फरिश्तों के सरदार हैं जिस तरह अल्लाह तला की मखलूक इंसान है उसी तरह अल्लाह की है मलाइका या फरिश्ते जिनको हम कहते हैं हमारी अरबी उर्दू और फारसी में और अरबी में उनको मलाइका कहा जाता है तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला तखलूक़ हैं और अल्लाह ताला के निज़ाम कायनात को चलाने वाले हैं ठीक है अल्लाह के हुक्म से तो इन तमाम फरिश्तों के जो सरदार हैं वो जब्रैल अमीन और अलतब्रैल हमेशा से पैगंबरों पे रसूलों पे वही लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं रिविलीशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं और जबरीइल की इज्जत और आजमत इतनी ज्यादा है अल्लाह के नजदीक अल्लाह ने कुरान में जब्रैल के बारे में फरमायावतल मतीन जिकुवतलम कि वो बड़ी क़ुत वाले हैं बहुत इज्जत वाले हैं अल्लाह के यहाँ बहुत उनका ऊंचा मुकाम है बहुत बुलंद किरदार वाले हैं और आसमान में उनकी अतात की जाती है आसमानों में जबरील का बड़ा यानी बहुत इज्जत है बहुत आजमत है और तमाम फरिश्ते जो हैं जबरील की अतात करते हैं गोया अल्लाह ताला ने जबरील को तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया हुआ है तो गोया कि तमाम फरिश्तों के सरदार के ज़रिए तमाम इंसानों के सरदार की तरफ तमाम कायनात के रब का सबसे बेहतरीन पैगाम लेके इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़ा इस सूरत में रूना हुआ कि जबराइल हजूर के सामने अपियर हुए और हजूर की कैफियत अब आप अंदाज़ा यानी हम और आप उसका तसवर भी नहीं कर सकते हमारे साथ थोड़ी सी सुपर नैचुरल चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान का घबराहट से हालत ख़राब हो जाती है कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसका हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो बड़ा इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर डिसबैलेंस हो जाता है इम्बेलेंस हो जाता है आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि हुजूर की क्या कैफियत रही होगी क्या सिचुएशन रही होगी जब सामने एक नूरानी अजीम शान वजूद जो है आपके सामने अपियर हुआ और अपियर होने के बाद क्या मामला हुआ वो हम देखते हैं ये हदीस आपके सामने ये बुखारी की हदीस है और इस हदीस के ज़रिए हम ये समझेंगे जो हुजूर खुद अपनी ज़बानी बयान कर रहे हैं उस वक्त की कैफियत को तो उस फरिश्ते ने उस जब्राइल ने हुजूर से क्या कहा इकरा पढ़िए क्या कहा इकरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वल् ने फरमाया मा अना बिकार ये असल में अम्मा आयशा रिवायत कर रही हैं कि के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया मा अना बार मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी इल्म हासिल था वो गौर गौरव फिक्र के नतीजे में था ठीक है लेकिन आप लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे अरबी स्क्रिप्ट से आप वाकिफ नहीं थे ये भी अल्लाह ताला के मुआजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजात में से एक मुआवजा है कि हुजूर लिखना और पढ़ने से वाकिफ नहीं होने के बावजूद कायनात की अल्लाह की मखलूकत में अल्लाह के अता करदा इल्म में सबसे ज्यादा इल्म इल्मी हस्तीं गोया तमाम लिखने और पढ़ने वाले लोगों से बढ़ के अगर किसी के पास है तो वो हुजूर के पास है और मुआजाती तौर पे हुजूर की शख्सियत ऐसी थी कि आप लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे तो खुद इस हदीस से ये बात वाज़ा होती है मा अना बिकार इनमें पढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं नहीं पढ़ सकता काला तो फिर उस फरिश्ते ने फिर कहा अजनी फनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसने मुझे पकड़ लिया तानी और भींचा दबाया मुझे यानी गले लगा के उस फरिश्ते ने मुझे जोर से दबाया हत्ता यहाँ तक कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी जान निकल जाएगी सुम्मा अरसल और फिर उसने मुझे छोड़ दिया फ़काला और उसने कहा इकरा और फिर कहा उसने कि पढ़िए कुल मैंने कहा हुजूर खुद फरमाते हैं मा अना बिको इन मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ तो फिर उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे जबरदस्ती बहुत तेजी से दबाया सानियता, दूसरी मरतबा बलगा मिनिल जहदा यहाँ तक कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी सुम्मा रसलनी फिर उसने मुझे छोड़ दिया फ़कला और उसने फिर कहा मुझसे इकरा पढ़िए फकुल मैंने कहा मा अना बिकौर इन मैं पढ़ा हुआ नहीं और जबरदस्त तरीके से दबाया सुम्मा और फिर मुझे छोड़ा फकाल फिर उसने कहा एक अब यहाँ से कुरान की आयतें जो है अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं और हजूर की जबान से वो आयतें खुद बखुद जो है वो जारी हो जाती हैं जारी करवा देता है यह पहली आयत है जो हुजूर के ऊपर नाजिल हुई है कुरान मजीद का सबसे पहली चीज़ सबसे पहला हुक्म और सबसे पहली आयत जो है इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम तरीन वाक़ जो है वो इन पाँच आयत के सूरत में हुजूर के ऊपर नाजिल हुआ और हुजूर की जबान से जारी हुआ इक्रा बस बसमी एक क़राब ख़लक खलक़ अलसान पाँच आयतें हैं जो बैक वक्त हजूर के ऊपर इन यानी सबसे पहली जो वही का नज़ूल हुआ है सबसे पहली जो आयतें आपके ऊपर उतरी हैं वो ये पाँच आयतें हैं इस, इस पर हम इन पाँच आयतों का तफसली तस्करा अगले लेक्चर में इनशाला करेंगे और इन पाँच आयतों पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन बताएंगे और इस्लाम के जो इम्पोर्ट इंपॉटेंट एस्पेक्ट और इस वही का जो सबसे अहम तरीन पहलू है उसको हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल डिस्कस करेंगे लेकिन आज मैं उस इस आयत का एक सरसरी तर्जुमा आपके सामने कर दू पहली आयत क्या नाजिल हुई इकरा बि इसम रबिकल लजी खलक पढ़िए भी इसम रबिकल लज़ी खलक पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया खल इंसान जिसने इंसान को अलग से पैदा किया खून के लोथरे से पैदा किया इकरा व रब अक्रम पढ़िए और आपका रब जो है बहुत करम करने वाला है बहुत इज्जत वाला अक्रम इज्जत है अल्लज़ी बिल कलम जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है मालम मा और उस अल्लाह ने उस रब ने इंसान को वो चीज़ें सिखाई है जो इंसान नहीं जानता था तो ये आयत है फिर से तर्जुमा मैं आपके सामने बयान कर दूं इनशा इसका तफसीली तज़किरा कल हम अच्छे से पढ़ेंगे इकरा बिस्मि रब लजी खलक ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया खलक़ल इंसान मिन अलक जिसने इंसान को पैदा किया अलग से खून के लोथरे से इकरा व रब बुकल अक्रम पढ़िए और आपका रब बड़ी इज्जत वाला है बहुत अक्रम है अलजी बिल कलम जिसने इल्म को कलम के ज़रिए सिखाया अमसान मालम याम और उस अल्लाह ने उस रब ने इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो वो नहीं जानता था

तो आप तसवुर कीजिए जिसके साथ वाक ये मामला हुआ होगा हम तो सिर्फ सुन रहे हैं ना हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं ना लेकिन जिसके साथ वाक हुआ होगा उसकी जहनी और जिसमानी कैफियत का क्या आलम होगा जाहिर हजूर पर बे अनतहा घबराहट तारी हो गई अजीब सी कैफियत तारी हो गई और इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ डॉक्टर अलीसल्लाबी साहब की किताब का एक टुकड़ा जो है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को सुनकर घर वापस आ गए आपका दिल धक धक कर रहा था आप हजरत खदीजा बिनत खवै, यानी जो हुजूर की वाइफ थी रजी अल्लाह रजील के पास पहुंची और फरमाया हुजूर पे एक यानी जब इंसान बहुत ज्यादा घबराया होता है तो पूरे जिसम जो है उसका कॉँप रहा होता है अगरचे ठंडक नहीं लग रही थी हुजूर को लेकिन पूरा जिसम जो है थरथड़ा रहा था तो आप चाह रहे थे कि मुझे कुछ ओढ़ा दिया जाए मुझे कुछ जो है गर्म कपड़े से ढांक दिया जाए तो हजूर ने फरमाया जम मिलूनी जम मिलूनी मुझे उड़ा दो मुझे चादर उड़ा दो सयदा खदीजा जो है बड़ी अक्लमंद खातून थी इंतहाई नेक और औरतों में बहुत ऊंचा मुकाम बहुत बुलंद मकाम इन पे हमने पहले भी गुफ्तु कर रखी है ये फौरन समझ गई कि क्या सूरत हाल थी इन्होंने हुजूर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया ऐसे मौके पे, बल्कि वही किया जो हुजूर ने हुक्म दिया था फौरन चादर उड़ा दी यहाँ तक कि आपका खौफ जाता रहा कुछ वक्त के बाद हुजूर की कलबी कैफियत जो है वो जरा नॉर्मल हो गई फिर आपने खदीजा रजील को तमाम वाकया बताते हुए फरमाया लकद खशु खश आला नफसी ए खदीजा मुझे तो अपनी जान का खदशा है ये क्या हो गया है मेरे साथ ये मेरे साथ कौन सा वाक पेश आ गया है ज़ाहिर हजूर अगरचा हुजूर के साथ डिफरेंट वाकयात पेश आ रहे थे नबूत से पहले अगरचे फायज थे लेकिन इस बात के उम्मीदवार नहीं थे कि आपके ऊपर इस तरह से जो है फरिश्ते नजूल होगा और किताब का नजूल होगा लिहाजा ये एक बहुत अजीब वाकया था और कहने लगी हु खदीजा मुझे तो अपनी जान का खौफ है ये मेरे साथ क्या हो रहा है तो इस पर सैदा खदीजा ने जवाब दिया है वो बड़ा यूँ समझ लीजिए क्रिटिकल है बहुत खूबसूरत है और एक बीवी जो अपने शोहर को सुकून पहुंचा सकती है और एक बीवी जो अपने शोहर को सपोर्ट कर सकती है उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है इंसानी तारीख में वो सैदा खदीजा ने इस मौके पे साबित करके दिखाया तो सैदा खदीजा ने क्या कहा किस तरह अपने शोहर को एश्योर किया फरमाने लगी कल्ला ऐसा हरगिज़ नहीं होगा अब शेर बशार, ये तो बशारत की बात है ये तो खुशी की बात है फवल ही अल्लाह के ला कसम लाहियन अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा अल्लाह कभी आपको परेशान नहीं करेगा कभी आपको अल्लाह तला जो है आपके मामला को ख़राब नहीं करेगा इन्ना का ल तसल रहम कि बेशक आप तो लोगों को जोड़ते हैं आप तो सिलामी का काम करते हैं वह तस्दुल हदीस आप सच्ची बातें करते हैं वह तहमिल्कल वह तकसिबुलमादूम आप लोगों का बोझ उठाते हैं ठीक है व तकरी अज़ैफ़ और आप मेहमान नवाजी करते हैं वह तो नवा इबिल और सच्ची बात को पेश करने में हक बात को कहने में जो भी तकलीफ आपकी राह में आती है वो सारी तकलीफ़ों को आप गवारा करते हैं आप बर्दाश्त करते हैं लिहाजा ऐसा हो मुमकिन ही नहीं है कि इतनी अच्छी सिफात वाले इंसान के साथ इतनी बेहतरीन खूबी वाले इंसान के साथ अल्लाह ताली जो है बुरा मामला करे इससे दो बातें समझ में आती है एक तो ये कि सैदा खदीजा को एश्योरेंस देने का जो तरीका जो जो उनके अंदर टैलेंट और जो सलाहियत कि वो हा, हामिल थी उसकी कोई दूसरी मिसाल उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव किसी दूसरी औरत के अंदर नहीं पाया जाता है ठीक है दूसरी चीज़ एक बीवी से ज़्यादा बेहतर एक इंसान को कोई यानी एक शौहर को उसकी बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता और जब बीवी इन तमाम अच्छी क्वालिटीज़ की शहादत दे रही है अपने शोहर के सामने उसको एश्योर करने के लिए तो ये हुजूर के जाहिर और बातिन किरदार की सदाकत और बुलंदी का सबसे ज्यादा बेहतरीन सबूत है क्योंकि दोस्त वगैरह तो इंसान को एक लिमिट तक ही जानते हैं भाई बहन भी एक लिमिट तक ही जानते हैं मिलने जुलने वाले लोग एक लिमिट तक ही जानते हैं लेकिन बीवी ही एक ऐसी हस्ती होती है जो इंसान के तमाम ज़ाहिर और बातिन को जानती है यानी यानी इंसानी हद तक अब जाहिर यानी मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता लेकिन इंसानी हद तक सबसे ज्यादा एक इंसान को जो है उसकी बीवी जानती है एक बीवी की इस बात की गवाही कि अल्लाह के रसूल आप तो बेहतर आप तो सिले रह करने वाले हैं आप तो लोगों के साथ इतना बेहतरीन सलूक करते हैं आप सच्ची बातें करते हैं आप लोगों के बोझ को उठाते हैं आप लोगों की मदद करते हैं आप मेहमानों का इकराम करते हैं आप हक के रास्ते में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं तो अल्लाह अल्लाह की कसम अल्लाह हरगिज़ आपको ज़ाया नहीं करेगा गोया कि सैदा ख़दीजा ने हज़ू को इस ज़रिए से इस तरीके से इस तरह की बातों के जरिए एशोर किया ताकि हज़ूर के दिल को थोड़ी ठंडक महसूस हो थोड़ा इतमान हासिल हो क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई आम वाक़ा नहीं था नज़ू इन वाक़ात की कोई तो रखते थे न इस तरह की कोई उम्मीद थी हज़ूर को तो एक यानी यूँ समझ लीजिए कि सुपर नेचुरल वाक़ा था और सुपर नेचुरल ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ में इससे अजीम कोई वाक़ा न इससे पहले कभी हुआ न इसके बाद कभी होगा तो गोया कि इंसानी तारीख की तमाम वाकयात की चोटी का वाकया ये हुआ था तो ज़ाहिर इसका रिएक्शन भी थोड़ा ज़बरदस्त होना था और हुजूर पे इसके असरात तो बहुत ज़्यादा हुए जैसा कि हुजूर के अल्फाज से वाजह है कि खशैतु आला नफसी मुझे तो अपनी जान का खौफ है तो ये पहली वही थी जो हजूर के ऊपर नाजिल हुई इस वही के वाक़े के बाद हुजूर जो अपनी बीवी के पास पहुँचे हैं तो जो बातें हुई हैं उसका भी जिक्र आपके सामने हो गया है इसके बाद का वाक़ जो है फिर सैदा खदीजा जो है हुजूर को लेके वरक़ा इब्न नौफल के पास जाती हैं और वो जो मामल होते हैं वो वनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर ये जो पांच आयतें हुजूर के ऊपर नाजिल हुई हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन शह पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें आज हमने पढ़ी हैं अल्लाह ताला उसको दर्जे कबूलियत अता फ़रमाए और यानी बड़ा अहम लेक्चर था और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा रिवाइज भी करें जब ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाए और कल जो है इसका इसकी अगली कड़ी जो है यानी इन शह सैटरडे को कल दस बजे सेम टाइम पे सेम लिंक से आप जुड़ जाएं ताकि हम इसके आगे का जो है वो कंटिन्यू कर सकें इन शी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दर्स को दर्ज कबूलियत अता फ़रमाए और जो ख़तें हो गई अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और जो हक बात वाजा हो गई अल्लाह ताला उस पे अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए व आखिर वन अलहमदिल्ला रब